डिनर भी, फिर भी आपका वेट चेकअप हो गया हो तो चले रूटीन राउंड पे। तुम चलो, हम आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिस्टर प्रकाश, आप नीचे बैठो, बैठो नीचे बैठो, चलो। जाबीर, हाउ आर यू? क्या सर, वापस वही प्रॉब्लम? वेयर विश डू विश यू बीन हियर। मिस्टर अबीर, ये जापनीज में मत बोलो ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, ये जापनीज नहीं, जर्मन है, जर्मन। इसका मतलब मैं इधर क्यों है? एक्सक्यूज मी, आप दोनों इधर आओ, इधर आओ। आरुषि मैम, इधर बोलिए। इतना लेट क्यों हुआ? और वो आदमी कौन है जिससे बात कर रहे थे? इनकी वजह से लेट हुआ। सॉरी आरुषि मैम, हुआ ये था। जो भी हुआ, आपको पता है ना, मुझे टाइम पे अपना चाय और नाश्ता चाहिए। कल से लेट हुआ ना, दोनों को काम से निकाल दूंगी। आज ना फिर ये अपने फिल्म के जेठानी जी के कैरेक्टर में घुस गए। चुप करो, देख तो लेट है, ऊपर से बड़बड़ बड़बड़। हाँ, तुम जाओ, तुम जाके ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालेगा। मेरे को शूटिंग के लिए जाना है, चलो सेट पे जाना है, जल्दी करो। आरुषि मैम, ये तुम्हारा शूटिंग का सेट नहीं है, ये हॉस्पिटल है, और हम तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम्हारा सेवा करने वाला नर्स है। ओके? सुनो सुनो सुनो, आज मेरा बर्थडे है, आई एम अ बर्थडे बॉय। आज की पार्टी मेरी तरफ से, मेरी बेटी खाना लेके आएगी। हाँ ठीक है। अच्छा तो फिर कल किसका बर्थडे था? मालविका। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे है ना, अब नीचे बैठो और अब तुम तैयार हो जाओ। हाँ, खड़े नहीं होने का। मेरी बेटी आएगी ना? हाँ, वो जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप दोनों इधर आओ, इधर आओ। आएगा आएगा। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे प्रभा। बोला ना ड्राइवर को बोलो मुझे शूटिंग के सेट पे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। लेट हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? रिलैक्स आरुषि मैम, तुम्हारा ड्राइवर आता ही होगा, तब तक तुम आराम करो। ओके, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। डॉक्टर आ गए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। या गुड मॉर्निंग, हाउ आर द पेशेंट्स? नो इम्प्रूवमेंट डॉक्टर। वी स्टिल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड नॉट गिव अप। आप प्लीज मोबाइल से खेलना बंद करें, वी आर इन अ हॉस्पिटल, आंट वी? यस डॉक्टर। बेड नंबर 4 की रिपोर्ट लेके आइए, प्लीज जाइए। लेट्स चेक हर आउट। या प्लीज कम। हेलो द ग्रेट पोएटिस, कौन सी नई कविता लिखी है आपने? मैं नहीं लिखती। अरे आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। अरे हाँ, कितना अच्छा अच्छा कविता लिखता है तुम। आप लोग कौन हो? अरे तुमने कल ही तो लिखा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं मैं नहीं लिखती, मैं तो पेंटिंग करती हूँ। मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। देखा मिस गोम्स, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये कवित्री नहीं है, पेंटर है। राइट राइट राइट, यू आर अ पेंटर, तो यहाँ एक अच्छी सी पेंटिंग बना दी। शाबाश। क्यों टच किया मेरे को, क्यों टच किया? पता है ना मुझे, किसी अनजान आदमी का टच बर्दाश्त नहीं होता है। आप गिर रही थी तो मैं संभाल रहा था, आपको गिरना है तो गिरो। मत बोलो। एक मिनट,
तुम लोग झगड़ा मत करो हाँ प्लीज प्लीज क्यों आप कौन है आप कौन है और ये हमको क्यों समझा रहा है उसको पता है हमको हमको अनजान आदमी का टच बर्दाश्त नहीं तो क्यों टच किया मेरे को बताओ यस यस आई विल टॉक टू हिम बट उससे पहले मैं आई एम सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको आई एम डॉक्टर अथर्वा आई हैव रिसेंटली जॉइन द हॉस्पिटल क्या आप दोस्ती करेंगे मुझसे हाँ लेकिन उसको समझाओ उनको समझा दूंगा अच्छा मुझे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है मेरा नाम जी आपका नाम मेरा नाम डॉक्टर शाह है आपका नाम क्या है मेरा नाम कोई बात नो प्रॉब्लम सर आपका नाम क्या है नाम अरे मिस गोम्स नाम में क्या रखा है हा? कुछ नहीं रखा है तो हम एक काम करते हैं आज से सर को हम मिस्टर अबीर कह के पुकारेंगे एंड मैम को आरुषि कैसा लगा आपको नाम आरुषि अच्छा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा नाम है है ना सुपर तो अभी आप लोग अपने अपने बेड्स पर अपने बेड्स पर जाओ हाँ चलो आराम करो मिस गोम्स इन्हें इनके बेड तक ले जाइए प्लीज आरुषि मैम आओ ये तुम्हारा बेड हाँ यहाँ बैठो अब आराम करो हाँ आराम से मिस गोम्स हाँ मिस्टर अबीर यहाँ नहीं आपका बेड इधर है इधर आओ इधर 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 उधर नहीं आओ अभी आराम से बैठ चलो हेलो गुड बॉय क्या बात है आज नो सोशल मीडिया नहीं मैं आज गेम खेल रहा हूँ क्योंकि ये खत्म होने के बाद मैं पोस्ट डालूंगा ओह दैट्स ग्रेट दैट्स रियली गुड मैं ट्राई कर सकता हूँ ओके थैंक यू ठीक है तो ये गेम क्या है हमें भी सिखाइए ये सिंपल है ये ऐसे लेने का ऐसे अंदर डाल वाओ क्या बात है देखो आज तुम्हारी वजह से मैं एक नया गेम सीख गया कोई बात नहीं डॉक्टर आप रोज आते रहे ना मैं रोज नए नए गेम सिखाता रहूंगा आपको प्रॉमिस प्रॉमिस डॉक्टर आज के लिए सब कंप्लीट हो गया है रूटीन ब्लड चेकअप्स भी हो गया है सिर्फ आरुषि मैम का ना विटामिन D3 कम आया है ओके जैम कीप इट अप या ओके डॉक्टर हाँ जी बट इन दैट केस हमें इनकी ट्रीटमेंट चेंज करनी पड़ेगी इमीडिएटली ओके कम विद मी ये विजिटिंग टाइम नहीं है अभी भैया मुझे प्लीज जाने दो नहीं ना मैम अलाउड नहीं है अभी भैया प्लीज नहीं ना और ये क्या आप थैली वगैरह लाए हो उसमें कुछ खाने का नहीं है ना भैया आज मेरे पापा का बर्थडे इसलिए मैं नहीं ना मैम वो बाहर की चीजें नहीं है अलाउड मेरे को डांटेंगे सब प्लीज आज एक दिन प्लीज ये रिक्वेस्ट करो तो क्या बोलूंगा मैं चलो ठीक है आज इनका बर्थडे इसलिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ आइंदा नहीं होना चाहिए यहाँ ये चलेगा और सुनो सुनो हाँ जरा जल्दी करो और किसी को बोलना मत हाँ वेलारे ना हरड़ी आती होंगे थोड़ा जल्दी करो इसलिए हाँ थैंक यू यस अरे बेटी कितना लेट कर दिया कब से राह देख रहा हूँ मैं हाँ अरे वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी अरे मैंने सुबह ही डिक्लेयर कर दिया था आज मेरा बर्थडे है मेरी बेटी मेरे लिए खाना लेके आएगी इतना लेट कोई करता है भला अब मुझे तो लगा तुम अपने बाप का बर्थडे भूल गई अरे नहीं वो बाहर रास्ते में ना बीच में वो छोड़ो मेरे लिए क्या लाई हो बता वाह लड्डू अपने बाप की पसंद अब तक याद है ये सोचकर अच्छा लगा इसमें से ना कुछ मैं अपने लिए रख लेता हूँ और बाकी दोस्तों में बांट देता हूँ हाँ? मुझे ये बताओ तुम्हें लेट क्यों हुआ
अरे अभी तो बताया ना मैंने, मैं ट्रैफिक में फंस गई। मुझे कब बताया? नहीं, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने बताया ना मेरा बर्थडे, मेरी बेटी मुझे मेरे लिए कुछ लेके आएगी। देखो क्या लाया, लड्डू लो। अच्छा काश मेरी भी कोई बेटी होती और मेरे लिए भी घर से कुछ खाने के लिए बना के लाती। ये लो लड्डू, मेरे बेटी ने बनाए। तो बताओ कैसे? कौन है आप? मैं किसी अनजान आदमी के हाथ से कुछ नहीं खाती। अब है कौन? सुनो, ये लड्डू नहीं ले रही है। अरे खा लीजिए ना, मैं किसी के हाथ से कुछ नहीं लेती हूँ। अरे मैं अनजान थोड़ी ना हूँ, मैं तो तू कौन है? मैं नहीं जानती तुझे, मैं किसी के हाथ से कुछ नहीं लेती। अगर आपकी बेटी लाई होती तो? अरे ओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ। अरे भाई खा लो, आज उनका बर्थडे है, उनके लिए ले लो। बर्थडे है? खुशबू तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से जो बनाया है, आपने पहले बार भी तो खाया है। मैंने कभी नहीं खाया, क्या बात कर रहे हैं आप? प्यार से बना के कोई खिलाएगा ना तो पराया भी अपना लगता है। अरे भाई मैंने बोला ना, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। बार बार वही बात वही बात। I'm really sorry. आप ठीक हैं? आपकी आंखों में, यहां कोई आपका रिलेटिव एडमिट है? ऐसे क्यों बैठे हो? माँ
आप क्यों रो रहे हो? मेरा पति मर गया। तो आपके सामने जो बैठे हैं वो कौन है? मेरा पति मर गया। अबीर जी और आरुषि जी मेरे मॉम डैड हैं। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अपने आप को भी भूल गए। लेकिन देखिए ना डॉक्टर, क्या नसीब है, जो मेरे असली मॉम डैड है वो मुझे भूल गए, और जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता भी नहीं वो मुझे अपनी बेटी समझ रहे। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन उसे कम नहीं कर सकता। हाँ, उसे थोड़ा हल्का जरूर कर सकता हूं। क्या आप मुझे अपने पेरेंट्स की बैक हिस्ट्री बता सकती हैं? आती नहीं हूं, घर का सारा काम तेरा मैं करती हूं, शर्म नहीं आती? इस बार मैं तेरा पगार काटूंगी, समझी? और ये क्या है सब फोटो? किसके हैं ये फोटो? निकालो यहां से। कौन है ये? क्यों इतना स्टाइल मार रही है? कल अगर लेट आई तो फिर परसों से आना मत। You see, dementia is a group of symptoms which affects memory, thinking, and social ability. It is not a specific disease, but a lot of diseases can cause dementia. It involves memory loss. But just because a person has memory loss doesn't mean the person has dementia. It's quite complicated. Yes, it is complicated. But मेरे experience के हिसाब से आपके father को stage 2 dementia, पर आपकी mom को stage 3 dementia. और आप ये stage कैसे judge करते? It all depends how much area of the brain is damaged. इसके लिए हमने कुछ test किए हैं already, और कल हम कुछ नए test करने जा रहे हैं. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा. Okay, Mr. Prakash, now look at my index finger. No, this is not the index finger. Show me your index finger. No. Index finger. Show me your index finger, Mr. Prakash. Yes. Abir ji, mere panje ko dekhiye. यहां देखिए, लुक एट माई पाम सर। मिस्टर अबीर, यहां देखिए, यहां यो माई पाम्स। अभी ये एक कागज है, इसको आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड कीजिए इसे किसी भी फॉर्म में। Right? Very good. Fold कीजिए इसे, fold कीजिए, घड़ी कीजिए इसे। Okay.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, राइट? बुद्धिमान। फ्रूट की स्पेलिंग क्या है? स्पेल फ्रूट। FOURT। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं प्रकाश जी। फ्रूट, फ्रूट, फल। FUT। और ट्राई करेंगे। इस कागज पर कुछ लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं? ट्राई। मैं yes. एक बुद्धिमान आदमी हूँ। गुड, गुड। मुझे सब याद रहता है। नाइस, नाइस। मैंने जो एक बार पढ़ा सो पढ़ा। सुपर, लवली। अब मुझे बताइए कि आपने क्या पढ़ा? हाँ? मिस्टर अबीर, यू वर रीडिंग समथिंग, राइट? मैंने? या? मैंने कहाँ पढ़ा? सर ट्राई कीजिए, बताइए मुझे क्या पढ़ा आपने? कुछ नहीं पढ़ा। ओके, ओके, कोई बात, कुछ नहीं। सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, अब इसे हम अपनी नाक को टच करेंगे, लाइक दिस। नो नो नो, योर नोज, दिस नोज। ओके, रिलैक्स, हम कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं, राइट? ओके, ये कागज है, इस पे कुछ लिखा है, चंद एक सेंटेंसेस, इसको पढ़ सकती हैं आप? यस, ये देखिए। यस, जो ट्राई इट। जो नहीं है, देखिए कुछ और है, कुछ और है, देखिए क्या लिखा है। ट्राई, कुछ और लिखा है, प्लीज ट्राई इट। मैं आरुषि जी, ये अंग्रेजी में लिखा है कुछ, इट्स इन इंग्लिश, प्लीज ट्राई। ओके 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 ओके, मैम मैम, बहुत अच्छा, यू आर डूइंग इट वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। मिसेस गोम्स की, मिस गोम्स की गलती है, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई बात नहीं। हे डॉक्टर अथर्व, हे डॉक्टर अथर्व, हाउ आर यू? फाइन सर, and thank you so much for making me a member of your prestigious yeah, hospital. Yeah, yeah, yeah. And welcome to Usha Kiran family. I saw my name over there. Yeah, and it's good that you did your neurology. That's a specialization. Thank you, sir. Sir, but sad part is there is still no treatment for dementia, sir. Yeah. But the thing is that, to be honest with you, a lot of work is going on dementia, a lot of research is going on, and but the drugs, the medication is not very effective. Hey doctor. Yes sir. What happened? Why you are so emotional? Sir, hum log doctor hain to kya hua sir? Hamari bhi to family hai. Hamari family members hain jo. Are kya hua, batai to sahi. Bataunga sir aapko. अभी नहीं सर, अभी आप भी बिजी हैं काफी, मेरे भी पेशेंट्स हैं, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। श्योर, श्योर सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, बाय सर, टेक केयर। यस सर। किस्मतों का खेल सारा, कैसी मैं उसे साथ दे दूँ, तब दिलों का वक्त सारा अश्कों को कैसे राह दे दूँ। किस्मतों का खेल
कैसे मैं उसे साथ दे दूं। Yes, doctor, how are you? Yeah, I'm fine, doctor. And I called you because we all know, sir, that you are the super specialist. Sir, our patient Arushi dementia ke third stage pe pahunch chuke hai, sir. Uska brain sab kuch sun sakta hai, feel kar sakta hai, lekin koi command le nahi sakta hai, sir. She's in a terrible state. Yeah, but in this case, you should carry out MRI or CT scan, and then based on the results, we can take the further action. We are going for MRI, sir. But doctor, why you are feeling so depressed today? I can see you nervous. Sir, my mother also had dementia, sir. वो भी थर्ड स्टेज तक पहुंच गई थी सर, और वहां से वापस नहीं आई. She died, sir. सर, जब मैं आरुषि मैम को देखता हूं ना, तो उनमें मुझे अपनी मां नजर आती है सर. मैंने अपनी मां को बचा पाया, और अब मैं आरुषि मैम के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं. कंट्रोल, कंट्रोल डॉक्टर, कंट्रोल. एज यू नो द मेडिसिन इज प्रोग्रेसिंग,
a lot of research is going on internationally on dementia. And to be very honest, there are two new medications are available. Yeah, this you can see the Crosdeem and Kintomax. Crosdeem and Kintomax. Kintomax. And you can try it for 15 days. Or dekhiye if the you get the good results, or even we can increase the dose. It's fantastic. Sir, we'll start it from tomorrow, sir. Hum kal se start kar denge. And I hope 15 din mein kuch achhe results aa jaye, sir. Yeah. And as you know, the entire body is enzymes, right? And dementia is linked with enzymes. So finally, the synchronization of enzymes will definitely give the better results for dementia. And at the end, the neurotransmitter should work. Oh, yes, sir. I'm already feeling a little better, sir. Thank you so much. Yeah, all the best. Thank you, sir. Thanks. Bye. मैम प्लीज आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो. बस माँ जल्दी ठीक होके घर पे आ जाए तो उनके हाथ का खाना खा के मैं भी ठीक हो जाऊंगी. कोई बात नहीं, ये दिन भी जल्दी आएगा. मैं भगवान से प्रे करूंगी मैम जल्दी ठीक हो जाएंगी. आई होप रिपोर्ट नॉर्मल आए. अभी तुम लोग जाओ अपना अपना बेड पर जाओ, आराम करने दो इन्हें. जाओ जाओ जाओ. इनको कहाँ लेके गए थे? माँ के कुछ टेस्ट थे पापा. टेस्ट? कैसे टेस्ट? माँ की तबीयत ठीक नहीं है. फिकर मत करो, फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं ना. स्मृति जी, MRI की रिपोर्ट शाम को आते ही होंगे. डॉक्टर ने आपको शाम को बुलाया है. अबे जी, अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए. But as a doctor, it's my duty to inform you कि आरुषि जी के ऊपर हमारी ट्रीटमेंट का कुछ खास असर नहीं हो रहा है. उनकी तबीयत और क्रिटिकल होती जा रही है. ये MRI रिपोर्ट्स आई हैं. MRI रिपोर्ट्स का इंप्रेशन सही नहीं है. आपकी मॉम के पास ज्यादा वक्त नहीं है. सॉरी. गुड मॉर्निंग जी. कैसे हो आप? कुछ तो बोलो. आप इधर सारा दिन लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते? हम जवानों को ना शोभा नहीं देता. आप आपसे एक बात करनी है. अब यहां नहीं,
बार ठीक है। मिस्टर अबीर सिर्फ 5 मिनट्स हाँ, उसके बाद तुमको अंदर आने को होगा। हाँ हाँ ठीक ठीक रिमेम्बर ओके 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 आपको इधर आके कैसा लगता है? दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपको देख के ना दिल में कुछ कुछ हलचल होती है। थोड़ा फिल्मी लगेगा और ऐसा ही होता है आपको देख के। ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नाता है आपके साथ। हाँ ये देखो इसको भी आज ही डिस्टर्ब करना था। बंद ही हो गया। मैं क्या बोल रहा था भूल गया। जाने दो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हाँ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं सोचा कि आप मेरे साथ। क्या करता है? टाइम आप चलो चलो डॉक्टर कहानी का टाइम हो गया है। और इनको इतना देर बाहर रखेगा तो इनको तकलीफ होगा है ना ऋषि मैम? नहीं अभीर जी आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। क्या? अरे भाई मेरी वाइफ तो जिंदा है। नो सर योर वाइफ इज नो मोर। उनकी कल डेथ हो गई। क्या कह रहे हो आप? अंधे हो क्या? मेरी वाइफ तो जिंदा है मेरे बाजू में बैठी है। कहीं धरती तो कहीं आसमान है पिता, कहीं सूरज तो कहीं चांद है पिता, मेरी मुस्कान मेरी समझ है पिता, मैं तो सिर्फ उनकी छाया हूं मेरी पहचान है पिता, मैं हूं अभी उनकी स्मृति मेरी हैसियत है पिता, लौटा सकूं मैं उनकी सारी खुशियां, मुझे काबिल बना दो मेरे पिता।